एक घर को बनाने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है और उस घर को हर साल बाढ़ बहा ले जाता है। ये उस बिहार के आधे दर्जन से अधिक जिलों की कहानी है जहां की सरकार हर साल करोड़ों रुपये बाढ़ को रोकने पर खर्च करती है। मानसून अभी सही से आया भी नहीं है, लोगों के अरमान सपने सब डूबने लगे हैं, बचा है तो सिर्फ आंसुओं का दरिया। फसल आपका पानी आ चुका है, अब तक कोई मदद के लिए नहीं है, कृपया मेरी मदद की जाए। और पानी का गुबार लगा हुआ है, अब तक कोई मदद, कृपया मेरी मदद की जाए। अब आप सोचिए ये करोड़ों रुपए खर्च कहाँ होते हैं। दरअसल इन्हीं रुपयों से ही तो भ्रष्टाचार के ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी जिले की है। लोगों को लग रहा है अभी ये हाल है तो जब मानसून अपने उफान पर होगा तो क्या होगा। सरकारें और विपक्ष के लिए जातिगत जनगणना से लेकर विधायकों को तोड़ना राजनीति के नए नए हथकंडे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी बाढ़ लोगों के सपने को क्यों डुबा ले जाता है, इसके जवाब नहीं है। ये तस्वीर भले ही बिहार की हो सकती है लेकिन ऐसी ही तस्वीर नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों की है। क्या आपने हाल के दिनों में कहीं ये सुना है कि आसाम में लोग अभी कितने मुश्किल में हैं? क्या किसी अखबार या किसी टेलीविजन चैनलों पर आपको लोगों के रोते हुए घरों के डूबते हुए वे तस्वीरें दिखी हैं? दरअसल ये तस्वीरें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि ये राजनीति के एजेंडे में नहीं होते हैं। बहरहाल एक बार फिर से बाढ़ है और बिहार के लोग हैं, सरकार भी। लहुरिया पंचायत वार्ड नंबर 1 बसौरिया का है जो परिहार प्रखंड में पड़ता है, सीतामढ़ी जिला बिहार में। यहाँ इतना प्रॉब्लम है, इतना अभी नदी का पानी आया हुआ है जिसमें पूरा गांव का लोग परेशान है। और ना तो कोई प्रशासन का कोई अभी तक कोई सहयोग मिला है, ना कुछ मिला है, और पूरे घर में पानी घुसा हुआ है। और यहाँ सारे के घर वाले को खाने पीने तक का आफत हो गया हुआ है। अब प्रशासनिक हेल्प नहीं मिल पा रहा, इसलिए प्रशासन से आग्रह है सरकार से कि यहाँ जल्द से जल्द प्रशासनिक सुरक्षा भेजा जाए और पब्लिक का हेल्प किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत बुरा स्थिति है पानी का और बहुत बुरा जल जमा हो चुका हुआ है बाढ़ का।